मुझे और मेरे पापा को ताऊ जी को यहाँ पे इतने मान सम्मान के साथ बुलाया, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे लिए खेलना बहुत इजी होता है बट उतना ही मुश्किल होता है कि स्टेज पे बोलना। बट आज मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे बेटियों को नारी के जो मान सम्मान की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैंने 2004 में खेलना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं भी अपने गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और मेरी मम्मी को गठिया भाव हुआ था 2001 में। तो 2001 और 3 के बीच में जितने भी घर के काम होते हैं वो ए टू जेड काम मैंने, पापा ने और भाई ने मिलकर किए थे। बट मेरे मम्मी पापा की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ऑफकोर्स मेरी टीममेट्स का हाथ है, मेरे गुरु टीचर सबका है, कोचिंग का सबका हाथ है, बट जो सबसे बड़ा योगदान था मेरा यहाँ पे आज जहाँ खड़ी हूँ मेरे मम्मी पापा या मेरी पूरी फैमिली का, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। तो आज फिर से स्टेज के माध्यम से मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, थैंक यू। क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि बेटे बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो अभी भी हम बात कर रहे हैं। वो चीज मैंने कभी फेस नहीं की, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं देखा। सुना जरूर है, पढ़ा जरूर है, अपने टीममेट्स में भी देखा है, जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी वहां पर भी देखा था कि सच में बेटे बेटियों में भेदभाव होता है। बट मैंने नहीं किया, इसलिए मैं हमेशा मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत लकी है कि उनके घर में ऐसी बेटी ने जन्म दिया। पर मैं हमेशा उनसे अपोजिट बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ ऐसे माँ बाप मुझे मिले, क्योंकि जिन्होंने बेटे बेटियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया और उसी की वजह से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंजरीज बहुत हुई, मेहनत बहुत की और थोड़े टाइम के बाद भी चांस मिला, जैसे कि मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि खेलने के बारे में। 2008 में फर्स्ट टाइम मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई थी और 2008 से 12 तक मैं नेशनल टीम में ही थी, बट एज ए सेकेंड गोलकीपर थी, प्लेइंग बहुत कम मिलती थी। 2012 से लेकर अभी तक कंटिन्यू मैं एज ए फर्स्ट गोलकीपर प्लेइंग करती हूँ और काफ़ी इंजरीज होती है, बहुत कुछ होता है। अभी शायद यहाँ पे बहुत संख्या में पेरेंट्स बैठे हैं, माता भी है, पिता भी है, इसलिए उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, शायद यहाँ बच्चे बैठे हैं वो भी बहुत छोटे हैं, बट आप अपने बेटे बेटियों को कोई भी फील्ड में, जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में ही भेजना है, कुछ भी, वो स्टडी करना चाहते हैं, अलग आर्ट में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समटाइम्स हम फेल भी होते हैं, बट जब माँ बाप बोल देते हैं कोई बात नहीं हम साथ में हैं, तो फिर से मोटिवेशन मिलता है। और बच्चे शायद ये बहुत छोटे हैं, काश इनको मेरी बात समझ आ जाए, नहीं आए तो आप लोग प्लीज जरूर समझाना, क्योंकि जब मैंने भी खेलना स्टार्ट किया तो यही चीज थी कि मुझे अपने माँ बाप की आंखों में एक दिन प्राउड फील करवाना है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो चीज सोच के मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दूसरा, जैसे सर ने बोला था नशे के लिए, मेरा ये मानना है कि नशा मुक्ति हमारे घर से स्टार्ट होता है, तो अपने बच्चों को, जो यूथ जो यंग है उनसे हम बच्चे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहो, बट जो बच्चे हैं आप माँ बाप से एक ही चीज़ बोल सकते हो कि वो स्पोर्ट्स में भेजें। जब हो सकता है कि वो उस लेवल तक ना पहुंचे या हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लग जाए, बट जब आप स्पोर्ट्स में होते हो तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह शाम आपके रूटीन बन जाता है, उससे आपको अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, तो आपका इन सब चीज़ों की तरफ से ध्यान नहीं जाएगा। और स्पेशली हरियाणा में स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत सब कुछ है, इसलिए जितने छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं सेम मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, तो इनको भी उसी रास्ते की जरूरत है। तो माँ बाप से फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस गांव में आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इन बच्चों में से कोई यहाँ जरूर खड़ा होगा, पर आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसके बारे में स्पेशल बताया कि गठिया पाव, गठिया पाव सब जानते होंगे कैसी बीमारी होती है। टोटली जब मैं खेल में गई थी वो टोटली बेड पे थे, मेरे पापा भाई और मैं सब काम करते थे, और मेरे जाने के बाद भी मेरे पापा और भाई ने मम्मी को संभाला, इसलिए माँ का सबसे बड़ा रोल है। उस टाइम पे मेरे पापा ने मम्मी से सबसे पहले पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो मम्मी को भी थोड़ी तो हुई थी कि घर का काम लड़की करती है पर कैसे आप नौकरी करते हो, क्योंकि पापा भी फार्मासिस्ट है। तो फिर पापा ने बोला कि आज अगर हम इसको रोक लेंगे तो शायद इसका भविष्य इसी गांव में और इसी स्कूल में रह जाएगा, तो उन्होंने मेरे उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास किया था और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। इसलिए स्पेशल माता पिता, हर किसी माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें, उनके सर पे हाथ रखें। थैंक यू।